नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। सत्य हिंदी के विशेष कार्यक्रम श्रवण घर की खरी खरी में आपका स्वागत है। यह हमारा वो कार्यक्रम है जिसमें देश के जाने माने पत्रकार संपादक श्रवण गर्ग जी अपनी तीखी टिप्पणी करते हैं मौजूदा राजनीतिक माहौल पर, और उनकी तीखी टिप्पणियों से ना तो सत्ता पक्ष बचता है ना ही विपक्ष, और दोनों ही तिलमिला के रह जाते हैं। आज फिर होंगे मुखातिब श्रवण गर्ग जी से और जानेंगे कि महाराष्ट्र के अंदर मतदान के बाद अब क्या संभावनाएं दिखाई पड़ रही हैं, किसकी सरकार बनेगी, कैसे सरकार बनेगी और क्या कुछ होगा, क्योंकि महाराष्ट्र में एक साथ छह धड़े हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं। इसलिए बहुत लोग ये भी कह रहे हैं कि कन्फ्यूजन बहुत ज्यादा है और अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि दरअसल किसकी सरकार वहां बन सकती है या बनेगी। ना महाविकास अघाड़ी इस बारे में कोई बहुत बड़ा दावा करने की बात कर सकती है, ना ही महायुति कोई बड़ा दावा करने की बात कर सकती है, और ना ही तमाम राजनीतिक पंडित इस बारे में कोई बड़ा दावा कर रहे। सब ये मानकर चल रहे हैं कि दरअसल लड़ाई बहुत जबरदस्त है और कश्मकश काफी तेज है। इस बीच में महाराष्ट्र की राजनीति में मतदान के बाद और चुनावी नतीजे आने के बाद भी ये संभावना जताई जा रही है कि वहां काफी कुछ खेल होगा, जबरदस्त तरीके से शक्ति का परीक्षण होगा और किसी की भी सरकार बनने में मुश्किल आ सकती है। बाकी तो जो नतीजे आएंगे 23 तारीख को उससे ही स्पष्ट होगा, लेकिन अभी का जो माहौल है, अभी की जो स्थिति है, उसके बारे में हम आपसे बातचीत कर रहे हैं। तो समझ जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही इस विशेष कार्यक्रम में। क्या कहना सर आपका? देखिए, कल हमने एक बात की थी और उसमें ये कहा था कि महाराष्ट्र विकास अघाड़ी को की सरकार बनती हुई दिख रही है, जो हमने आशा जगाई थी कि वहां बन सकती है। हम आज उसमें कोई करेक्शन कर रहे हैं, थोड़ा सा संशोधन कर रहे हैं, क्योंकि मतदान तो हो ही चुका है वहां और अब नतीजे बंद हो गए। हम करेक्शन ये कर रहे हैं कि जो राजनीति चल रही है अभी महाराष्ट्र में, कल से चालू हुई है, कल रात से चालू हुई है, उसके दो तीन कारण ऐसे बन रहे हैं जिससे लगता है कि महाविकास अघाड़ी की सरकार को बनने नहीं दिया जाए। किसी भी कीमत पर बनने नहीं दिया जाए। उसके दो तीन कारण मैं आपको बताता हूं। पहला कारण तो ये कि ये जो वैधानिक स्थिति है उसके हिसाब से 26 तारीख तक सरकार को शपथ ले लेना चाहिए, सरकार बन जाना चाहिए। मतलब रिजल्ट आने के बाद केवल 3 दिन मिलेंगे या 2 ही दिन मिलेंगे या 3 दिन मिलेंगे। इसका एक पक्ष ये है कि अगर महायुति को बहुमत मिल जाता है तो 24 तारीख को या 25 तारीख को शपथ हो जाएगी, क्योंकि बहुत संकट उसमें आएगा नहीं। हालांकि आएगा, कई चीजें आएंगी, कौन मुख्यमंत्री बनेगा, अजीत पवार क्या करेंगे या एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे, वो एक अलग मुद्दा है। दूसरा जो लग रहा है कि अगर महाविकास अघाड़ी को बहुमत मिलता है तो वो किन कारणों से वो सरकार नहीं बन पाएगी 3 दिन में, मतलब 2 दिन में या 3 दिन में, किन मुद्दों पर महाविकास अघाड़ी में मतभेद रहेंगे या कायम किए जाएंगे या बन जाएंगे। मतदान जो आज हुआ उसके ठीक पहले शरद पवार जी का एक इंटरव्यू एक पोर्टल पर वायरल हुआ। उस पोर्टल में शरद पवार जी को ये कहते हुए बताया गया है, या उसका जो अर्थ निकला है वो ये निकला है कि जो धारावी का प्रोजेक्ट है, रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट, उसको लेकर शरद पवार जी ने अदानी की तरफदारी की है और ये स्थापित करने की कोशिश की है कि उस प्रोजेक्ट को स्क्रैप नहीं किया जाना चाहिए। मतलब उसकी जो ध्वनि है ये, और उसकी ध्वनि ये है कि उसमें अदानी की कोई गलती नहीं है, मतलब उसमें अदानी का कोई उस तरह का बयान नहीं है जिस तरह से कहा जा रहा है। इसका जो मूल मुद्दा है वो ये है कि कई मुद्दे हैं। तो शरद पवार और अदानी की दोस्ती जग जाहिर है, शरद पवार की किताब में बहुत बड़ा उल्लेख है, अदानी की तारीफ है, कई चीजें हैं, और अदानी के घर पे बैठक को लेकर जो अभी हाल में कंट्रोवर्सी चली वो एक अलग मुद्दा है।
उद्धव ठाकरे और उनके बेटे आदित्य ठाकरे दोनों चुनाव प्रचार के दौरान सार्वजनिक रूप से बोल चुके हैं कि वो सत्ता में आते से सबसे पहला काम धारावी के प्रोजेक्ट को स्क्रैप करने का करेंगे। एमबीए के दूसरे घटक कांग्रेस के राहुल गांधी खुलेआम अदानी के खिलाफ बोल चुके हैं, उनके प्रोजेक्ट के खिलाफ बोल चुके हैं, धारावी के खिलाफ बोल चुके हैं। अब मुद्दा यह है कि जब शरद पवार कह रहे हैं कि अदानी के पहले, मतलब धारावी के प्रोजेक्ट में प्रवेश के पहले, संयुक्त अरब अमीरात यूएई की एक कंपनी ने उसमें इंटरेस्ट दिखाया था और अदानी का उस प्रोजेक्ट में प्रवेश बाद में हुआ, वो ये स्थापित करना चाहते हैं कि अदानी का इससे धारावी को, अदानी को दिया ये प्रोजेक्ट, ये कोई इसमें दम नहीं है। और दूसरा, बीजेपी ये प्रचारित कर रही है कि अदानी को धारावी का प्रोजेक्ट तो एमबीए सरकार ने दिया था। ये पहली चीज है। दूसरी चीज जो आज ही प्रकट हुई है, जो सामने आई है, वो ये है, या कल आई है, कि 2018 का एक पुणे का बिटकॉइन का मामला है और उसमें ये आरोप है कि बिटकॉइन का इस्तेमाल, उस बिटकॉइन के जरिए जो पैसा इकट्ठा किया गया, वो सुप्रिया सुले और नाना पटोले दोनों ने चुनाव में 2019 में भी उपयोग में लाए और इस चुनाव में भी फंडिंग कर रहे हैं। उसमें अजीत पवार ने ये कहा है कि जो आवाज है फोन पर, जो टेप की गई है, वो निश्चित रूप से उनको लगता है कि वो सुप्रिया सुले जैसी है। ये दोनों चीजें जो मिलाकर अगर आप देखें तो उसमें ये लगता है कि दोनों, तीनों चीजें, शरद पवार का कहना, 3 दिन की डेडलाइन, अजीत पवार के प्रयास, और अजीत पवार का ये दावा कि महायुति को 175 सीटें मिल रही हैं, ये सब मिलाकर जो पिक्चर क्रिएट करता है वो ये करता है कि एमवीए को अगर बहुमत मिल भी जाए जैसा लग रहा है, तो इतना डिले किया जाएगा इस चीज को फाइनल करने में कि उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में शपथ ली जाए कि नहीं ली जाए, या बनने दी जाए कि नहीं बनने दी जाए। हो सकता है कि राष्ट्रपति शासन जैसी स्थितियां पैदा हो जाए। 2019 के मामले को लेकर देवेंद्र फडणवीस ने एक आरोप लगाया था, अभी हाल ही में अजीत पवार की कंट्रोवर्सी के बाद उन्होंने ये कहा था कि जो बैठक हुई थी दिल्ली में, उसमें उन्होंने कहा कि एक तो अदानी नहीं थे, दूसरा अदानी के घर पे नहीं थी, पर उन्होंने ये कहा कि उस बैठक में तय ये हुआ था कि राष्ट्रपति शासन लगाया जाए महाराष्ट्र में और शरद पवार उससे पीछे हट गए। अब जो स्थितियां हैं, बीजेपी ऐसा लगता है कि 3-4 मोर्चों पर काम कर रही है। एक तो मोर्चा ये कि अगर महायुति को बहुमत मिल जाए, दूसरा मोर्चा ये कि 3 दिन में एमवीए नहीं मिले, 3 दिन में एमवीए सरकार बना पाती है कि नहीं, और तीसरा ये कि शरद पवार उद्धव ठाकरे पर एग्री होते हैं या नहीं, या उद्धव ठाकरे इस चीज पर एग्री हो जाते हैं कि धारावी के प्रोजेक्ट को छेड़ा नहीं जाएगा, एमवीए की सरकार आ जाए। निश्चित रूप से न तो उद्धव तैयार होंगे ना राहुल तैयार होंगे। ये जो तमाम चीजें चल रही है उसको लेकर जो एक जो ऐसा लग रहा है कि जो पूरा का पूरा इस समय जो कोशिश चल रही है वो इस तरह की चल रही है कि, और ये इस चीज को लग गया था काफी पहले से कि महाराष्ट्र का चुनाव एमबीए के पक्ष में करवट ले सकता है, और शरद पवार अदानी को लेकर या धारावी को लेकर या पूरे मुख्यमंत्री पद को लेकर कोई बम फोड़ सकते हैं, विस्फोट कर सकते हैं। अब देखिए कि अजीत पवार ने जो अभी कहा उसके, उसको पढ़ने की जरूरत है कि उन्होंने जो इंटरव्यू में कहा था कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार के लिए
अदानी के घर में दिल्ली में बैठक हुई थी, और उसमें शरद पवार भी थे, अमित शाह भी थे, देवेंद्र फडणवीस भी थे और अजीत पवार खुद भी थे। जी उसका फिर खंडन आया, देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि वो बैठक अदानी के घर पे नहीं हुई थी, हुई थी बैठक, और उसमें ये हुआ था कि शरद पवार राष्ट्रपति शासन के लिए, उनको प्रस्ताव भी भेजा शरद पवार को, तो उन्होंने रिवर्ट नहीं किया। शरद पवार ने बाद में जो कहा वो ये कहा कि बैठक हुई थी अदानी के घर पे हुई थी और अदानी उसमें नहीं थे। मुद्दा क्या है? और फिर अजीत पवार पर इतना दबाव पड़ा कि उन्होंने रिट्रैक्ट किया, उन्होंने कहा कि नहीं अदानी नहीं थे उस बैठक में, बैठक हुई थी। मुद्दा यह है कि अदानी बहुत पावरफुल है और कॉमन है, फडणवीस की बातों में भी कॉमन है, अजीत पवार की बातों में भी कॉमन है और शरद पवार की बातों में भी कॉमन है। तो ये जो पूरी की पूरी कवायद इस समय चल रही है, और जब उनसे पूछा इंटरव्यू में अजीत पवार से कि वो खुद शरद पवार ने, जब आप कह रहे हैं कि आपको भेज दिया और खुद नहीं आए तो क्या कारण था, तो अजीत पवार ने कहा कि उनके मन की बात कोई जान नहीं सकता, हमारी आंटी भी नहीं जान सकती, सुप्रिया सुले भी नहीं जान सकते। अब आपको इसको पूरे मामले को थोड़े से बैकग्राउंड में देखना पड़ेगा कि शरद पवार ने एमवीए में पहले दिन से इस सुझाव का विरोध किया कि उद्धव ठाकरे को सीएम फेस घोषित कर देना चाहिए। शिवसेना की मांग थी कि वो उद्धव को, क्योंकि उद्धव के साथ सिंपैथी भी थी कि उनकी सरकार को जिस तरह से गिराया, एकनाथ शिंदे ने गिराया और तमाम डिफेक्शन हुए, अजीत पवार ने गिराया, शरद पवार सहमत नहीं थे पहले दिन से, उन्होंने कहा कि चुनाव के बाद करेंगे। सीटों के बंटवारे को लेकर भी थोड़ा मतभेद हुआ, खासकर मुंबई की सीटों को लेकर हुआ एमबीए में, शरद पवार में और उद्धव में और कांग्रेस में, पर ये सारी बाधाएं दूर कर ली गई। इसमें एक अनुमान ये लगाया जा रहा है कि क्या शरद पवार को ये लग गया कि एमबीए की सरकार बन रही है, और ये कल लगा, कल रात को तमाम संकेतों से, क्योंकि नहीं तो शरद पवार के लिए कोई कहने की जरूरत नहीं थी कि वो एक इंटरव्यू दें पोर्टल को, और एक अननोन पोर्टल को, मतलब बहुत ज्यादा ख्याति वाला नहीं है, उसको पोर्टल दे और उस पर बात क्या करें, बात ये करें धारावी को लेकर बात करें। तो धारावी को लेकर उद्धव ठाकरे अगर कॉम्प्रोमाइज करते हैं या राहुल गांधी कॉम्प्रोमाइज करते हैं, तो इसका मतलब ये कि पूरा का पूरा एमवीए कोलैप्स हो जाएगा, पूरी की पूरी राहुल का जो पूरा अभियान है जो अदानी के खिलाफ या हिंडनबर्ग को लेकर या पार्लियामेंट को लेकर, वो पूरा का पूरा ध्वस्त हो जाएगा। तो जो लग रहा है, मैं इसको कोई बहुत पुख्ता नहीं कह रहा हूं, पर चूंकि इस समय बहस ये चल रही है कि एमबीए की सरकार की, महायुति की, किसको कितनी सीटें मिल रही है, उसके बीच में मैं इस तरह की बात करूं तो वो थोड़ा सा एक अजीब सा भी लग सकता है, और वो अजीब सा यूं लग सकता है कि क्या एमबीए दो फाड़ हो गया है, मतलब अदानी के मुद्दे पर, तो क्या इसमें अदानी के इंटरेस्ट या उद्योगपतियों के इंटरेस्ट जो हैं वो इतने पावरफुल हो गए हैं, इतने ताकतवर हो गए हैं कि अब 2019 में भी अदानी का महत्व आपके सामने आया और 2024 में भी अदानी इतने पावरफुल हो गए हैं। ये एक बहुत बड़ा पेच इस चुनाव का सामने आ रहा है आशुतोष जी, और इसमें एक जो बड़ी चीज ये है जो कि बारामती का जो चुनाव है, पूरा का पूरा बारामती के चुनाव में ये भी हुआ है कि अजीत पवार चुनाव प्रचार में अपनी मदर को ले आए वहां से, बॉम्बे से, उनकी एज नहीं थी,
और उनके भाई के विरोध के बावजूद वो प्रचार में मंच पर उन्होंने उनको खड़ा कर दिया। बारामती का जो चुनाव है उसमें अजीत पवार उसको लेकर बहुत ही जो लग रहा है बहुत ही वेंजेंस में है पूरे के पूरे मामले को लेकर। तो अजीत पवार अन्यान्य कारणों से एमबीए की सरकार नहीं बनने देना चाहते हैं और शरद पवार दूसरे कारणों से एमबीए में अपनी बात रखना चाहते हैं या अपने से को मनवाना चाहते हैं। कुल मिलाकर मुद्दा ये है कि इस चुनाव में जो हावी हो रहा है मुद्दा वो पावरफुल जो उद्योगपतियों की लॉबी है वो पूरी की पूरी सामने आ रही है। ये नाना पटोले ये जो कल केस हुआ पूरा का पूरा बीजेपी के पदाधिकारी को लेकर वहाँ पैसे को लेकर जो हुआ वो अपनी जगह है, उसका कितना असर उस कॉन्स्टिट्यूंसी में होता है वो एक अलग देखने की बात है। क्योंकि जब बात हो रही थी तावड़े साहब विनोद तावड़े को लेकर 5 करोड़ की बात हो रही है और जो रजिस्ट्री हुई है FIR में 10 लाख रुपए बताए गए हैं। तो ये तमाम जो मैंने आपको समीकरण बताए और आज जब डिबेट में अब रात तक देर रात तक या सुबह तक आखिरी आंकड़े आएंगे कि कितना परसेंटेज पोल हुआ क्या हुआ, कल तक हो सकता है एग्जिट पोल आना शुरू हो जाए, रात से ही आना शुरू हो जाए कि एग्जिट पोल आना शुरू हो जाए चुनाव के बाद मतदान के बाद, वो एक अलग मुद्दा है। पर इसमें एग्जिट पोल इसलिए काम नहीं करेंगे कि अगर फैक्टर्स ये इन्वॉल्व हो रहे हैं कि एमबीए की सरकार को बनना ही नहीं देना है और उस पूरे एमबीए की सरकार का मामला 26 तारीख के बाद तक टलता जाए तो क्या महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लग जाएगा। तो दो ही संभावनाएं जो लगती है जो लग रही है जिस तरह के फोर्सेस काम कर रहे हैं कि महाराष्ट्र में या तो राष्ट्रपति शासन लगे या महायुति की सरकार बने। महायुति की सरकार अगर बनती है तो एमबीए क्या करेगा वो एक अलग बात है, राष्ट्रपति शासन लगता है तो क्या करेगा वो एक अलग होता है। इसमें जो पूरे गणित चल रहे हैं उसमें जो उभर कर आ रहे हैं और मैंने पिछली बातचीत में भी कहा था अगर आप हमारे पिछली बातचीत को देखें कि हो सकता है शरद पवार का इंटरेस्ट इस चीज में हो कि एमबीए की सरकार नहीं बन पाए, ये मैं कह चुका हूँ और ये भी कह चुका हूँ कि अजीत पवार का जो रोल है बहुत ही मिस्टीरियस साबित होने वाला है इस पूरे घटनाक्रम में। महाराष्ट्र के बोल में बहुत बड़ा दाव है और बड़ी बहुत बड़ा पैसा लगा हुआ है और बहुत बड़े इंटरेस्ट हैं। तो इसलिए हम लोगों को 23 तक भी इंतजार करना पड़ेगा, 26 तक भी इंतजार करना पड़ेगा और 26 के बाद भी चीजों को देखना पड़ेगा। महाराष्ट्र का चुनाव अब लंबा चलेगा ऐसा मान के चल सकता है। आज की चर्चा बस इसी नोट के साथ। जी थैंक यू सर, थैंक यू।